अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो वही सीन कुछ ऐसा है, मैं आज जा रहा हूँ आठ मोहर्रम के जुलूस के अंदर। आज गाज़ी अब्बास जो थे हमारे हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, उनको शहीद कर दिया गया था क्योंकि वो पानी लेने गए थे दरिया के ऊपर, और से वो वाहिद बंदे थे जो मतलब पानी लेने गए थे। तो आज उनकी याद के अंदर एक जुलूस निकाला जाता है गली के अंदर से, मतलब इमाम बाग के कोने पर। तो इमाम बाग वाले जुलूस निकालते हैं, मैं तो खुद नहीं मोहर्रम का, लेकिन फिर भी जुलूस देखने जाओ उनका। जो कुछ भी होगा जुलूस के अंदर वो सब आपके शेयर करेंगे। तो चलें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं। हाँ तो भाई, यहाँ पे आपका भाई जुलूस के अंदर पहुँच गया था और इनका जुलूस ऑलमोस्ट मतलब पूरा आ गया था तकरीबन। और ये मतलब यहाँ पे सामने मातम भी हो रहा था और जो पीछे मतलब बहुत सारे नुहे चल रहे थे, इस वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। बाकी ये जो लोग हैं ये अलम लेके जा रहे हैं, तो काफ़ी लोग थे और सभी काले कपड़े पहने हुए थे। मुहर्रम में तो वैसे भी सब काले कपड़े ही पहनते हैं, तो बाकी काफ़ी रश हो रहा था। और आधे हमारे मतलब सुन्नी भाई भी थे जुलूस के अंदर और मतलब शिया भाई भी थे। तो ये सामने मतलब अलम लेके जा रहे हैं और ये पता नहीं क्या लेके जा रहे थे ये लोग, पता नहीं किसका जनाजा होता है, ये मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है, मैं तो बस देखने गया था। तो ये जनाजा लेके जा रहे हैं, अल्लाह अल्लाह आलम पता नहीं क्या करते हैं ये लोग। बाकी अलम बहुत सारे दिखे और बाकी यहाँ पर लंगर भी हो रहा था, पापड़ वापड़ बट रहे थे और सबीलें बहुत सारी लगी हुई थी यहाँ पे जितना मैंने देखा। बाकी इनकी जुलजना भी खड़ी हुई थी यहाँ पे, वो सामने जिसको घोड़े का नाम होता है, जो हज़रत इमाम हुसैन की घोड़े का नाम था शायद जुलजना था, पता नहीं क्या था, तो इसका मुझे इल्म नहीं है थोड़ा। बाकी ये इनकी जुलजना खड़ी हुई थी। तो अभी हम और आगे जाएँगे और आगे जाके हम देखेंगे। तो बस हमें आगे जाते हैं तो हमें यही नज़र आता है कि मतलब इनके अलम और ये लोग बस माशाल्लाह। तो अभी ये सब लोग जा रहे हैं और लेडीज़ भी थी जुलूस के अंदर, जेंट्स भी थे, बच्चे भी थे, छोटे बड़े सब थे। तो अभी हम लोग आगे जा रहे हैं और ये बिल्कुल सामने तो आप देख सकते हैं जूस की सबील लगी हुई है, जूस की सबील लगी हुई है ये। और ये आगे अलम लाइन से अलम आ रहे हैं जो मतलब हमारे मौला अब्बास के मतलब झंडे को अलम बोलते हैं, वो ये लोग निकालते हैं आठ मुहर्रम को। तो ऊपर थार थे इस वजह से अलम को लिठा के लेके जा रहे थे। ये देख सकते हैं आप कितने बड़े बड़े अलम हैं माशाल्लाह। और ये एक बंदा लेके जा रहा है वाइट कलर का अलम और ये काले कलर का अलम जा रहा है, और पीछे इसके पीछे एक काले कलर का अलम जो है वो खड़ा किया हुआ भी है इन लोगों ने, जो आराम आराम से आगे आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ये देखें ये अलम आ रहा है और पीछे ट्रक भी आ रहा है जिसके अंदर नोहे चल रहे थे, तो इस वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। बाकी ये एक अलम और है, तो बस ज़्यादातर ये अलम ही है और नंगे पांव होते हैं ये अलम ना, अलम मतलब लेके नंगे पांव चलते हैं और वज़ू वज़ू करके ये अलम को लेके चलते हैं। बाकी एक अलम और आ रहा है, इसके ऊपर मतलब गुलाब के फूल वगैरह लटकाए हुए हैं और ऊपर जो पंजा होता है वो पंजा लगाया हुआ है। तो बाकी अभी और देखते हैं अभी और क्या है। तो बाकी बस यही थे अलम थे, और पीछे जो थी सिक्योरिटी बहुत ज़बरदस्त थी इनकी क्योंकि। तो भाई अभी मैं यहाँ पे बैठा हुआ वॉइस ओवर कर रहा था तो मुझे बाहर से बहुत तेज़ आवाज़ आने लगी, तो मैंने बाहर जाके देखा तो माशाल्लाह बहुत तेज़ बारिश हो रही है, अल्लाह पाक की रहमत बरस रही है माशाल्लाह। तो बस यही ब्लॉग एडिट करते करते एकदम बारिश शुरू हो गई। तो बस यहाँ पे आप इनकी सिक्योरिटी चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह रेंजर्स की गाड़ियाँ भी और पुलिस की गाड़ियाँ, और जो इनकी अपनी मरकज़ की सोर्स होती है वो अलग है। तो बस ये चेक कर सकते हैं आप, पुलिस ही पुलिस है और रेंजर से। वॉइस ओवर करते करते थक गया है यार, मुँह दुख गया बोलते बोलते, नॉन स्टॉप बोल रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बस इनके अलम है और ये आगे जाके मतलब सारे इकट्ठे हो गए थे। तो अभी मैं और आगे जाऊंगा और आप सबको पूरा मतलब दिखाऊंगा। ये देखें अब ये सब इकट्ठे हो गए, पूरा मतलब ग्रुप बन गया। तो लाइन से इन्होंने सारे अलम खड़े कर दिए थे, और मेरे असल में जो दोस्त हैं वो सारे ज़्यादातर शिया कम्युनिटी के अंदर होते हैं, तो इस वजह से मैं इनके जुलूस के अंदर बआसानी चले गया था। और वैसे ये लोग हमें बुलाते भी हैं कि आ जाओ, कोई मसला नहीं होता, तो इस वजह से मैं चले भी गया था। तो ये आप देख सकते हैं अलम, लाइन से अलम खड़े किए हुए हैं और यहाँ पर सबीलें चल रही हैं, लंगर चल रहा है, सब मुझे दे रहे थे लेकिन मैंने कुछ भी नहीं लिया और ना कुछ खाया। तो ये सब आप देख सकते हैं, मेरे दोस्ती हैं ये तकरीबन, तभी इनके साथ खड़ा हुआ हूँ मैं। और बस ये एक अलम है और वो अलम है। तो बस फिर अंधेरा हो गया था फजर का, वो मगरिब का टाइम भी हो रहा था, तो बस इस वजह से मैं अपने घर चले गया।
तो मैंने गाड़ी निकाली और घर आ गए। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़।